कैसे हो? और गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो हम सामर आ चुके हैं और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। विकास मेरे पीछे खड़ा है और आज हम आपको व्लॉग दिखाने वाले हैं सामर झील का, जहाँ की आप जैसे मतलब नमक निकलता है और आप नमक खाते हो। जो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो आपने जो लोगो देखा था ना पीके फिल्म, अगर आपने देखी होगी तो वो जो इसके अंदर वो लोगो आता है ना, यही लोगो है, वो देख सकते हो आप। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम हो रहा है विकास, एक मिनट, क्या जूम नहीं होगा लेकिन ऐसे देख लो आप लोग। गाइस वो जा रही ट्रेन पीके वाली, देख लो गाइस पीके वाली ट्रेन यही है ना। एक बार वीडियो चालू करके देख लेना पीके वाला, आपको पता चल जाएगा कि सामर झील हम वहाँ पे व्लॉग करेंगे। और आज हमारे साथ कैमरामैन का अपना भाई सुमित आया है यहाँ पर, और कैमरा यही पकड़ेगा मेरे हिसाब से अभी। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि शाम भी बहुत होगी और आज मौसम है ना कुछ खतरनाक है गाइस, सर्दी का मौसम है। और विकास भाई भी बैठ चुका है और मैं भाई बैठ जाता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा इसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, खालडा सामर झील। सामर झील पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाओ आपको दिखाते हैं। देखो गाइस ये जो है ना, ये जिसको कोटी बोलते हैं और ये हमारे नाना जी की है ना। हमारे नाना जी यहाँ पर नमक निकालते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। तो यार क्या है यहाँ पर यार, सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में नमक नहीं निकालते हैं यहाँ पर। हाँ इधर आ जाओ आराम से, क्योंकि इधर यहाँ पर लग रहा है करंट वगैरह भी आ सकता है, तो इधर आ जाओ। ये जो होती है ना आपको दिखाऊँगा कितनी मतलब गहरी है। देख ली होगी, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे तो पहले देखी हुई यार। मैं मेरे नाना जी को मतलब छुट्टियों में यार रोज लेने और छोड़ने आता था। आप देख सकते हो फुल पानी यहाँ पर भरा हुआ, देखो ये बहुत गहरी है गाइस, लेकिन है ना अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसके अंदर। बैंक का आज आ चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं पर करेंगे। क्या विकास यार नमकीली गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो पानी है ना, ये जो अभी इसके अंदर मतलब कोटी के अंदर मैंने जो पानी बताया था ना, कि इतना खारा है ना कि नमक भी इससे ही बनता है गाइस। इतना खारा कि नमक भी इससे ही बनेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि मुझे तो यार थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ बहुत बार, और मैं नाना जी को रोज नहीं छोड़ने देता। चलो उस वाले मतलब उसको क्या बोलते हैं कि ये तो ना डब्बे बने होते हैं, सबके अलग अलग होती है और गवर्नमेंट है ना इनको अप्लाई करती है। उधर दिखा दो वो ना गवर्नमेंट का ऑफिस उधर है, मैं वहाँ पर भी आया हूँ। मतलब जब नमक की गाड़ियाँ भर जाती है ना यहाँ पर, वो लोगों को आ जाए आपको दिखाया था ना वहाँ पर, उसके पीछे ट्रॉली लगती है और जब वो लोगों कंप्लीट हो जाता है ना, भर जाते हैं, तो वहाँ से उसका बिल बनता है और फिर पैसे आते हैं वहाँ पे। अभी तो वहाँ पर भी चलेंगे, देखो वहाँ पर उधर देखो क्या। हाँ वो पानी का टैंक है, वो भी दिखा के लेके आएंगे आपको, क्योंकि है ना जो यहाँ पर काम करते हैं ना लोग, वो पानी उसी टैंक में से पीते हैं। और आ जाओ मेरे पीछे फटाफट जल्दी जल्दी। नमक ही नमक है मतलब है ना, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी ये भी एक नमक की तरह है, इतनी खारी है गाइस। आप लोग देख सकते हो क्या यार, विकास टेस्ट कर रहा है क्या? नहीं नहीं स्मेल टेस्ट तो कर लिया मैंने, स्मेल कर रहा है विकास को, टेस्ट तो कर लिया, टेस्ट करने में तो आगे रहता ही। हाँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि ना इसको बोलते हैं कैरी गाइस। ये देखो एक इतना बॉक्स बना हुआ है, फिर उधर बॉक्स बना हुआ है, फिर उधर बॉक्स बना हुआ है, फिर उधर बॉक्स बना हुआ है, मतलब कंटिन्यूटी लगातार बॉक्स ही बॉक्स बने हुए आप लोग देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पर इधर भी जाना देख सकते हो भाई जी, ये देखो यहाँ की सबसे बड़ी कमी है ना यही है। मैं जब फर्स्ट मेरा पेड़ देखो, और मेरा पेड़ ये देखो, ये मेरा पेड़ इधर देखो इधर। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया था, तो मेरे नाना जी की झोपड़ी यहाँ पर थी, और गर्मियों की छुट्टी में आया था जब लॉकडाउन लग गया था, मैं नाना जी की झोपड़ी यहाँ पर बैठे थे मेरे नाना जी, और मैं उनको लेने आया था, उनको फ़ोन कर रहा था उस टाइम पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सामान पड़े हैं, मटकी चाय के कप ग्लास वगैरह बहुत सारे पड़े हैं। वो जो कोठी मैंने आपको बताई थी वहाँ से पानी आता है, और ये जो पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, एक बार पाइप दिखा दो, ये जो पाइप लगे हुए हैं ना इनसे पानी है ना इनके अंदर चला जाता है, इनके अंदर कार्य करने चला जाता है। और फिर है ना धीरे धीरे इधर देखो, फिर धीरे धीरे है ना मतलब दो तीन दिन से फिर इसके अंदर ये देखो काफी का इधर देख सकते हैं आप, देखा ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में ये देखो, ये इसके ऊपर जो जैसे लेयर जैसे बनी हुई है, ये देखो इसके ऊपर जैसे जैसे पपड़ियाँ आ रही है, और ये नमक है जो वैसे हो जाता है, और इसी को थोड़ा सा फिल्टर करके और हमारे जो ये खाने में होता है हमारी सब्जी में ये नमक डाल देगा। देखो भाई यहाँ पर है ना इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पर पहले इस कोने में इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद है ना उसको है ना मतलब जो मजदूर लोग होते हैं उठा के और यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर इस जगह पर इसी जगह पर डालेंगे। और उसके बाद जैसे ही मतलब सबका नंबर आता है एक एक बार, मतलब आज किसकी ट्रेन लगेगी, आज इसकी ट्रेन लगेगी, और यहाँ पर ट्रेन आती है इस पटरी के ऊपर, और फिर यहाँ से भर देते हैं, और फिर वो ट्रेन यहाँ से आप इसके अंदर ये धीरे धीरे जैसे कि आप जैसे वो जानते हैं वो बात भी करें इंग्लिश में,
ये पानी का इसके अंदर पूरा क्या है, एक टैंक पानी का था, इन दोनों मिलाएंगे ना इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा मैं। हां चल देखो देखो अंदर क्या है, अंदर भी क्या देख ले, अंदर भी क्या है वो गाइस गजब कैमरा मतलब है ना कोई यार, अरे का नहीं ना कोई नहीं आएगा यहां पे, कोई कुछ नहीं बोलता यार। चुप बक यार, विकास को देखो, विकास को इसको देखो, विकास को ऊपर चढ़ गया यार गाइस। आप ये देख सकते हैं ये यहां पर जैसे कि अपने टैंक होद वाले घर वाले टैंक के होता है ना वैसे ये है, इसको मैं खोल देता हूँ। वो भारी है गाइस बहुत। ओहो नो, और गाइस देख सकते हैं चार इसके ये भी बनी हुई है, इसके अंदर पानी है। अमित इसमें तो यार मीठा पानी है, अच्छा पीने के लिए पानी है क्या? मैं सोच रहा था यार ये वो नमक वाला ही पानी है। मैं इसको रोकने के लिए इधर खड़ा हूँ। गाइस चल रही है, ट्रेन चल रही है गाइस, ट्रेन दिखा चला रहा है, ट्रेन देख लो लोग। रुक जा रुक जा, अरे वही पटरी से नीचे उतर जाएगी। हां मैं बैठ जाता हूं गाइस। गाइस इधर हुआ ठीक है बस, मैं हूँ मोजी लाओ थोड़ी सी यार मोजी यार, अमित डेटा कुछ नहीं था मोजी खाली, मैं कुछ नहीं, अरे खाओ यार अमित मोजी खिलाओ मेरे भी। ये कोई नहीं हो तो ड्रेवर वाले ये मजा आता है काफी इसके अंदर। वाह यार मोजी यार खतरनाक आ रही है। अबस अमित ओके गाइस, ये तो गाइस यहाँ पे बारिश आने लग गई है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। विकास ने बाइक स्टार्ट कर ली है और काफ़ी बूंदे बूंदे आ रही है और सर्दी भी बहुत भयंकर लगने लगी है मेरे को, तो मैं तो ये है ना और ध्यान भी लेता हूँ यहाँ पर। विकास आज भी अपना मुँह बांध लो और फिर यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। अब ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म।